हेलो वेलकम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2019। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो यूपी डीएलएड 2019 की वैकेंसी थी वो 2 लाख प्लस वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और सारे डाउट को भी आपके क्लियर कर देगी। ठीक है, जो भी आपके सारे कंफ्यूजन है आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप में उस पर चर्चा करने वाली हूँ, तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो यूपी डीएलए से रिलेटेड हो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता होगा, जिनका फर्स्ट फेज में काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था उनकी जो क्लासे हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं और वो स्टूडेंट क्लासे अपनी ले रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज, या फिर जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। जैसे फर्स्ट फेज में मान लो किसी ने काउंसलिंग नहीं कराया है, तो क्या सेकेंड फेज में मौका उन्हें मिलेगा या नहीं, तो हम सारी बातें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आपका जो डायरेक्ट एडमिशन हुआ वो कब तक किया जाएगा और क्यों, बड़ी खुशखबरी है, तो चलिए जान लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। तो अगर आप भी खबर या फिर टीवी या फिर न्यूज़ देखते होगे, ठीक है, तो आपने आज का न्यूज़ या फिर कल का न्यूज़ पढ़ा होगा जो कि यूपी डीएलएड के बारे में था। अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए हम अभी देख लेते हैं। जैसे अगर आज आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बीएड के कारण हाशिए पर है डीएलएड। मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता चुकी हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्या हुआ है, किस वजह से जो है सीटें अधिकाधिक खाली हो गई हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख लो, आप खुद देख लो, यहाँ बीएड के कारण हाशिए पर है डीएलएड। जो 2 वर्षीय का ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड को अब अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। अब जो इसमें एडमिशन सीटें जो हैं वो खाली हो गई हैं और जो स्टूडेंट है इसमें एडमिशन वाले नहीं मिल रहे हैं, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है। पहले चरण में जिस तरह से प्रवेश हुआ है उससे अंदेशा है कि इस बार आधे से अधिक सीटें खाली ही रहेंगी। आप इससे आराम से पढ़ सकते हो। यह नौबत आने की वजह से मतलब ये जो पूरा ये जो हालात हुआ है ये सब बीएड की वजह से हुआ है। अब ये सोच रहे होंगे कि आपकी बीएड जो है वो इसकी वजह से क्यों, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो बीएड है ना इसको भी प्राथमिक लेवल पर कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें ज़्यादा आकर्षण ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और डीएलएड जो है इसको मतलब थोड़ा वो कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ये डीएलएड की जो सीटें हैं वो खाली जाएंगी, इसमें देखिए साफ साफ बोल दिया गया है। ठीक है, तो जो डीएलएड करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है डीएलएड, इसमें भी आप प्राथमिक लेवल पर टीचर बनोगे और इसमें भी बीएड में भी बनोगे, जो कि अभी ये मान्यता मिली है प्राथमिक लेवल की। ठीक है, इसी वजह से सारे स्टूडेंट जो हैं वो बीएड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और भी हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए देखिए, पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा कि डीएलएड की 2/3 सीटें खाली, मतलब कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में जो है वो 1/3 ही सीट फुल हुई है और 2/3 जो है अभी सीटें खाली है। और हमारी रैंक कितना है अभी, तो 2,50,000 से 3 लाख प्लस कुछ हमारी रैंक है, तब भी आपकी सीटें खाली ही जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको कोई, अब आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट फेज मान लो जिनका हो गया उनका काउंसलिंग कब किया जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको भी मौका मिले, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जैसे फर्स्ट फेज में किसी ने काउंसलिंग कराया है उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि सेकेंड फेज में मौका मिल जाए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं, आपकी सीटें बहुत खाली जाने वाली हैं, जैसे बीएड में भी खाली गए थे तो डीएलएड में तो और जाएगी, इस वजह से आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, मतलब कि आप सीधे एडमिशन कराना होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना होगा।
और आप भी अपना स्टडी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट फेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडी कंटिन्यू है और वो डीएलएड की क्लासेस भी ले रहे हैं। तो जो सेकंड फेज का काउंसलिंग होगा वो आपका 16 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा और 26 अगस्त तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कुछ। तो डायरेक्ट एडमिशन जो होगा आपका वो 26 के, मान लो सेकंड फेज का अगर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो मतलब कि 26, 27, 28, तो आपको 28 या फिर 30, 31 से आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आपका भी आप भी अपने क्लास में जाओगे, स्टडी करोगे, प्लस आप अपने सिलेबस भी चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे कमेंट देखे, यही कमेंट थे कि मैम क्या हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज भी बहुत खाली हैं। अभी तो पहले ही 568 सीटें जो थी वो खाली थी और अब भी खाली हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियों को, लड़कियाँ खासकर, बहुत दूर कॉलेज डायरेक्ट मिल गया है तो वो जाना नहीं चाहती, इस वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। वो भी अपने नज़दीकी प्राइवेट एडमिशन लेना चाहती है, तो बहुत सीटें खाली होने वाली है। तो आप डोंट वरी गाइज, बस आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अगर कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।